आटे से बनाएंगे आज हम पिज़्ज़ा बेस, वो भी बिल्कुल डोमिनोज जैसा टेस्ट आएगा आपको। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, और लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगा। हे फूडीज, वेलकम टू स्नेहा गुप्ता रेसिपीज एंड व्लॉग चैनल। आज की ये पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो आज मैं आपके सामने बना करके बताने वाली हूँ आपको एक आटे से बनाया हुआ पिज़्ज़ा बेस। जनरली जो पिज़्ज़ा हम बनाते हैं वो मैदे से बनाते हैं, जो कि अनहेल्दी होता है, लेकिन आटे से अगर आप बनाएंगे तो आप इसे बेफिक्र होकर के बच्चों को भी खाने देंगे। और साथ ही यहाँ पर एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊँगी कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करके इस पिज़्ज़ा बेस को बनाने वाले हैं, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा और डोमिनोज जैसा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हम डो लगा लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आटा ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 कप आटा लूँगी और 1/2 कप इसमें मैदा डालूँगी। मैदा क्यों डालूँगी इसे मैं आगे बताऊँगी। और यहाँ पर 1/4 कप दही डालेंगे, साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसमें नमक भी डाल देंगे 1/2 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1 चम्मच चीनी। अब इन सभी को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, इससे हमारा पिज़्ज़ा बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैं पनीर का पानी यूज़ कर रही हूँ। पनीर जब हम फाड़ते हैं तो जिससे पानी निकल जाती है, वो पानी मैं यहाँ पे फ्रेश वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर ये पानी नहीं है तो आप यहाँ पे प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हो। हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। अब आटे को इस तरह से पटक पटक करके हमें उसे गूंथना है, जैसा आप देख रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा, आपका आटा बिल्कुल हल्का हो जाएगा और इसका जब बेस बनाओगे तो बहुत ही फ्लफी बनेगा। सिर्फ आटे से अगर आप इस पिज़्ज़ा बेस को बनाओगे तो पिज़्ज़ा बेस हमारा थोड़ा सा सख्त हो जाता है, और अगर आप उसमें थोड़ा सा मैदा मिला देते हो तो आटे का जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाएगा और पिज़्ज़ा बेस हमारी बहुत ही ज़्यादा अंदर से तो सॉफ्ट बनेगी और बाहर से क्रिस्पी बनेगी, ना कि कड़ी और सख्त बनेगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसके बाद अच्छे से इसे 5 से 6 मिनट तक गूंथ लेंगे। इससे जो पिज़्ज़ा का बेस है ना वो हमारा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो जैसा आप देख रहे हो कि बहुत ही सॉफ्ट सा और एक बढ़िया सा डो बना के रेडी कर लिया है। तो बहुत ही इलास्टिक जैसा ये डो हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ टक करते हुए इस आटे को रेस्ट करने के लिए 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। साथ ही कपड़े से इसे आप कवर भी कर दें ताकि ये ड्राई ना हो। 20 मिनट्स के बाद इस आटे को हम एक बार अच्छे से इस तरह से गूंथ लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी हो चुका है हमारा आटा, और इससे जब आप बनाओगे बेस तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आटे का बड़े बड़े हम इस तरह से बॉल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जो यूज़ करने वाली हूँ वो है मकई का आटा, जिसे हम मकई की रोटियां बनाते हैं ना, वो वाला मकई का आटा हम लगाएंगे इसे बर्तन में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे मैदा का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगी मकई का आटा, जो कि आपको ईजिली किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगा। इसे आप अगर बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो टेस्टी बनता है, बिल्कुल डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा बेस का टेस्ट आता है। इससे पिज़्ज़ा बेस जो है वो अंदर से तो सॉफ्ट रहेगा लेकिन बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फ्राइंग पैन ले रही हूँ, इसे मैंने बस 2 मिनट के लिए फ्राइंग पैन को गैस पे ऑन करके रखा, और उसके बाद इसमें हम ये बेस डाल देंगे। इसे अब हम कवर कर देंगे और कवर करके लो फ्लेम में ही इस बेस को एक साइड से ही हम कुक हो जाने के लिए देंगे। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो बेस है नीचे से काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है और अच्छे से कुक हो चुका है। एक ही साइड हम सेकेंगे, और जिस साइड मैंने सेक लिया है उस साइड हम ये मिक्स सॉस लगाएंगे। ये टमाटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस का मिक्सचर है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं है तो पिज़्ज़ा सॉस की जगह पे ये मिक्स सॉस भी आप लगा सकते हो। तो 1 से 2 चम्मच डालेंगे और अपनी मनपसंद टॉपिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। अपनी मनपसंद टॉपिंग्स लगाने के बाद इसमें हम थोड़े से ब्लैक पेपर
ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर ले टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़े से हर्ब्स हम यहाँ पे डाल लेंगे और रेड चिली डाल लेंगे या चिली फ्लेक्स है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो पिज़्ज़ा टॉपिंग हमारी रेडी हो चुकी है और अब इसके ऊपर हम चीज़ ग्रेट करके डाल ले रहे हैं। तो अमूल का प्रोसेस चीज़ है तो आप वो ऐड कर सकते हो, मैं वही यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से चीज़ को ग्रेट करके डाल ले जितना भी है आपको पसंद है। अब इसी नॉनस्टिक पैन में हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और इसके ऊपर से जो मैंने पिज़्ज़ा रेडी करके रखा है इसके ऊपर हम डाल लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा रखेंगे तो पिज़्ज़ा के जो साइड्स हैं वो सूखे नहीं, ड्राई नहीं हो और अच्छे से कुक हो जाए, उसके लिए हम साइड्स में हम बटर मेल्ट करके लगा देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। अब इस पिज़्ज़ा को हम कवर करके कुक हो जाने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम में जब तक इसका चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो अगर इस तरह का आप ऊपर से कवर यूज़ कर रहे हो जिसमें होल है तो उसे आप अच्छे से कवर कर दें, यानी कि किसी एल्युमिनियम फॉइल से आप उसमें बंद कर दें, तो जो हमारा जो ये पैन है ना बिल्कुल ओवन का काम करेगा, इवनली स्प्रेड होगी हीट और जो चीज़ है ना बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। जो हमारा पिज़्ज़ा है वो भी पिज़्ज़ा का जो बेस है ना बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्पी एकदम सेक के रेडी हो सकता है। तो आप देख सकते हो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही टेम्पटिंग और हेल्दी पिज़्ज़ा है बिकॉज इसे मैंने आटे से बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर। और मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।